Hey guys, welcome back to my channel Care Yourselves, and I'm Shelly. And today's video I'm talking about the turmeric. Yes, हल्दी के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग कि हल्दी किस तरीके से हमारी स्किन को रिपेयर करती है, हमारी जो एक्ने प्रोन स्किन होती है, रिंकल्स होते हैं, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको कैसे ट्रीट करती है. ओके, सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही पैक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं हमारे स्किन को, हमारे फेस को. ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ हल्दी के बारे में. हल्दी, टर्मरिक, वी ऑल नो दैट कि हमारी जो दादी नानी है, अगर किसी को पहले बचपन में चोट लग जाती थी तो वो दवाई नहीं लगाते थे, वो हल्दी लगाते थे. वो क्यों लगाते थे हल्दी? क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और वो जो जख्म होता है उसको बहुत जल्दी से ठीक भी करता है. ओके, सो हल्दी को हम एज अ अपने स्किन के इंग्रेडिएंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो हमारे एक्ने होते हैं या उनके मार्क्स होते हैं या फिर आपको रिंकल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी रिपेयर करता है. और दूसरी चीज़, अगर आपको टैन हुआ है किसी भी तरीके का तो उसको भी ईजी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो ख़त्म कर देगा. टर्मरिक हर किस स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन हो, वो सभी स्किन के लिए एक मैजिक की तरह काम करेगा. ओके, सो इसमें क्या होगा कि अगर हम ठीक इंग्रेडिएंट्स साथ में यूज़ करेंगे हल्दी को तो वो आपकी जो स्किन है उसको अच्छा कर देगा, स्मूथ टेक्सचर कर देगा उसका. और अब तो वैसे भी यार विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स में तो हमें और ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. जिनकी ड्राई नहीं भी होती है ना उनकी भी ड्राई हो जाती है, तो सर्दियों में तो हमको बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा. ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फेस पैक्स के बारे में जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे, हमारी स्किन में थोड़ा सा ब्राइट करेंगे उसको. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. पैक बनाने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है और मैंने ये फ्रेश क्रीम दी है और ये मैंने अम्बा हल्दी ली है. तो चलो अब पैक बनाते हैं. पैक बनाने के लिए मैंने 1/3 टेबल स्पून ऑफ हल्दी ली है, मैंने 1/3 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश क्रीम ली है. आप फ्रेश क्रीम की जगह आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. और मैंने गुलाब जल डाल के एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है जो आपके फेस पे इजीली लग जाएगा. अपने फेस को क्लीन करके आप इसे लगाएंगे और 15 मिनट तक इसे लगा रहने देंगे. पैक बनाने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है और मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेसन लिया है, ये मैंने कर्ड लिया है और ये है हमारी अम्बा हल्दी. चलिए पैक बनाते हैं. पैक बनाने के लिए 1/2 टेबल स्पून ऑफ मैंने चिक्पी फ्लावर लिया है, बेसन लिया है और मैंने देखिए 1/2 कर्ड ली है, 1/2 टेबल स्पून कर्ड ली है और ये थोड़ा सा मैंने गुलाब जल लिया है अप्रॉक्स 1/3 टेबल स्पून और ये मैंने 1/4 टेबल स्पून ऑफ हल्दी ली है. अम्बा हल्दी यूज़ करनी है आपको. अब इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम. आप अपने अकॉर्डिंग गुलाब जल को यूज़ कर सकते हैं. मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और इसको 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे आपको लगा के रखना है और उसके बाद आप धो लीजिए. पैक बनाने के लिए हमें चाहिए अम्बा हल्दी, ये मैंने 1/3 ली है, 1/3 टेबल स्पून मैंने अम्बा हल्दी यूज़ की है. ये मैंने हनी लिया है, हनी आपको 1/4 टेबल स्पून आपको हनी चाहिए. और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा लेमन. लेमन आपको 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए, नहीं तो आपका जो पेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा वो. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगा लीजिए इसको. पैक बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी, ये मैंने 1/3 ली है, 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी ली है मैंने और ये मैंने कर्ड लिया है, कर्ड भी आपको 1/3 टेबल स्पून ऑफ चाहिए. ये मैंने टमाटो लिया है, टमाटो को आपको इस तरीके से पल्प निकालना है उसका, इससे उसका थोड़ा सा रस निकल जाएगा. अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से. फेस को वॉश करने के बाद में उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा. इसकी एक अच्छी सी मोटी लेयर लगानी है आपको और 20 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है. सो पैक बनाने के लिए मैंने ये एलोवेरा जेल यूज़ किया है,
पतंजलि का लिया है मैंने, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी मैंने हाफ टेबल स्पून ली है, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ऑफ अम्बा हल्दी में मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल यूज़ किया है। इस मिक्सचर को जब आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी इचिंग फील हो सकती है, बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको लगाएंगे उसके बाद आप इफेक्ट देख सकते हैं अपने स्किन पे। ओके, सो इसको लगाने के बाद में आपको थोड़ी इचिंग फील होगी तो आप उसको सहन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको 15 मिनट्स के लिए लगाना है अपने फेस पे। 15 मिनट्स के लगाने के बाद में आप इसको या तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं या फिर किसी भी टॉवल या क्लोथ से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। देखिए अब बिल्कुल ये इस कंसिस्टेंसी में आ गए कि हम इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये देखिए ये फेस पे बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, ये स्किन आपकी स्किन को ग्लोई बना देगा, स्पॉटलेस करेगा। सो ये तो हमारे सभी जो भी फेस पैक्स हैं हमारे जो स्किन के लिए हैं वो हैं, लेकिन आप इसको इम्यूनिटी के जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि गर्म दूध में आप हल्दी डाल के पिया कीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना वो स्ट्रांग होती है। इनफैक्ट सबको पीना चाहिए उससे आपके जो, और आजकल का तो यार समय भी ऐसा हो रहा है कि कोरोना के समय में ना अपनी बॉडी का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ रहा है, तो अच्छा होगा कि अगर आप गर्म दूध, अब तो ठंड आ गई है तो आप गर्म दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। गर्म दूध में आप एटलीस्ट हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी डालिए, लेकिन हल्दी आपको कौन सी यूज़ करनी है? हल्दी आपको सिर्फ अम्बा हल्दी यूज़ करनी है अपने फेस के लिए भी और अपने खाने के लिए भी, क्योंकि इस अम्बा हल्दी जो होती है ना वो अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए भी और फेस के लिए भी। तो क्या होता है कि जो अम्बा हल्दी होती है और जो किचन वाली हल्दी होती है ना, दोनों अलग अलग होती हैं। किचन वाली हल्दी में जो होती है बहुत ज़्यादा स्टेन छोड़ती है, लेकिन अगर आप अम्बा हल्दी को यूज़ करेंगे ना तो उससे आपकी जो स्किन है, अगर स्किन के भी लगाएंगे तो उससे ज़्यादा स्टेन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, मायने भी नहीं रखेगा आपको, आप देखिएगा। सो मैंने जो आपको फेस पैक्स बताए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा एक बार, एटलीस्ट 1 टाइम तो इसको ट्राई कीजिए, और कम से कम हफ्ते में इसको 3 टाइम्स तो आप यूज़ कीजिए। 3 टाइम्स यूज़ करने के बाद आप खुद अपने स्किन में चेंजेस देखेंगे। मैंने भी इसको यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप 1 मंथ यूज़ कीजिएगा, 1 महीने में, हफ्ते में 3 बार। कोई भी पैक, अगर आपके ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए लगा लीजिए, ऑयली है तो ऑयली के लिए लगा लीजिए। ओके, ये ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए कि मुझे अपने रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।